नमस्कार आसंतु गप शुणवार आउ एक अध्याय आपन को स्वागत मंगलवार तेणु गपर समय आज कौनसी गौरचंद्रिका नाई कौनसी उपक्रमणिका ना सीधासल गप को आसवा इंग्लैंड जड़े प्रसिद्ध दार्शनिक एडमंड बर्क जड़े बंधु थे जी इंग्लैंड रे जड़े विख्यात धर्मगुरु थे चर्च रे से भाषण रखुले आषण शुणापी लोक रुंड हमें विशेषकर इंग्लैंड राजा और राणी से धर्मगुरु भाषण शुणापी आसती किंतु एडमंड बर्क केवे बंधु भाषण शुणापी चर्च को चाहती ना बंधु सब अनुरोध करती आहुत कहला थे एडमंड बर्क बंधुंर अभिभाषण शुणापी धर्म चर्चा शुणापी गले चर्च को बंधु जनक धर्मगुरु बंधु जनक अति चमत्कार ढंग से निजर धार्मिक उपाख्यान अभिभाषण रखिले आेषे निष्कर्ष गोटे कथा कहले जे जो माने ईश्वर को विश्वास करती आउ भल लोक से माने स्वर्ग को जाती जो माने खराब लोक ईश्वर को विश्वास करती ना से माने नरक पड़ती एक निजर अभिभाषण बंद कला बेलू हठात उठी ठिया हेले एडमंड बर्क आ पचारे जे महाशय मते कहतु आपत जमी कहले जे जो माने भल लोक ईश्वर को विश्वास करती से माने स्वर्ग को जाती किंतु जो माने भल लोक अर्थात ईश्वर को विश्वास करती ना से माने कुआडे जाती एपटे कहले जे जो माने खराब लोक ईश्वर को विश्वास करती ना से माने नरक को जाती मो प्रश्न होउछि जो माने खराब लोक हेथिबे किंतु ईश्वर को विश्वास करूथिबे से माने कुआडे जिबे तो कन्फ्यूज हेले धर्मगुरु जनक बंधु अप्रीतिकर परिस्थिति तांको पकाई देले से कहले जे प्रश्नर उत्तर मु आसंता रविवार दिन जो अभिभाषण रखी सात दिन पर मुझे कह आपन को गले घर को बहुत चिंता कले बहुत भाविले से पर्यंत धार्मिक चिंताधारा चेतना भितर थिला जे भल लोक आउ ईश्वर को विश्वास करुले स्वर्ग को जाती खराब लोक जो मैंने ईश्वर को विश्वास करती ना से नरक को जाती किंतु उल्टा प्रश्न आसी जे भल लोक होते ईश्वर को विश्वास करून थे खराब लोक होते ईश्वर को विश्वास करुवे से कड़े जी अनेक राति पर्यटन निद हलानी शेषे जो दिन रविवार भाषण देवे पूर्व दिन अर्थात शनिवार राति से हठात गोटे स्वप्न है स्वप्न से देखुं एक द्रुतगामी जान से गोटे जगह को चली पाखे आ कि लोक अच्छा जड़े सहजात्री को से पचारे आम कड़े जाऊे से कहले ये जान आम को लेकिन स्वर्ग को जाऊँ आम शेष समय आम आसी सारी तेणु आम स्वर्ग मुखा एवं खुशी गले स्वर्ग को जाऊँ कि जोबले से जान जा स्वर्ग में पहुँचला से देखिले जे स्वर्ग प्राणहीन लगुच स्वर्ग बोली जो कथा को से अनुभव करुले भावी स्वप्न देखी थे सेमती स्वर्ग ना कि अस्थि कंकाल सार धर्मगुरु केवल बुलुंट आउ ना से जीवंत लगुच ना प्राणवंत लगुच प्राणहीन अच्छी से कहले स्वर्ग माने आम अलग किसी भाभी ये कौन स्वर्ग एमती किसी चिंता कला पुणी से जान घोषणा कला जे आपण मानक नर्क को जीवाई भी पड़ो नर्क अभिमुखे चलला से जान देह सीते जा नर्कर कथा से शुणी किंतु जितेबले जान जा नर्क पहुँचुची से देखुंजे नर्कर प्राणवंत लगुच सबू नंदनकानन स्वर्ग से जहाँ शुणी नर्क अच्छी सत जमी सबकि चलचंचल लगुच रास्ता घाट सफा सुतरा अच्छी सी कहले आम उल्टा होगला कि आम भूल सेत नर्क को आ स्वर्ग को पलि आसल कि सहजात्री मैंने कहले मैंने कहले ना आम प्रकृत नर्क पहुँचे जानूर ओल्ह जो से किसी चलाबुला कले नर्कर किसी लोक पचारे जे ये प्राणवंत केमी लगुच परेश लोकटी कहला प्रकृत में किद पूर्वर ए जगह प्रकृत नर्क पड़ी किंतु गत किछि दिन भितर ए जगह को मदर तेरेसा महात्मा गांधी पिथागोरस महावीर गौतम बुद्ध
ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ନର୍କରେ ଦୟା ପ୍ରେମ କରୁଣା ଏସବୁ ଫେରି ଆସିଛି ଆଉ ଇଏ ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ ଆଉ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ହଠାତ୍ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ପରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କର। ତୁରନ୍ତ ଉଠିପଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, କାରଣ ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ଏଡମଣ୍ଡ ବର୍କ। ଏଡମଣ୍ଡ ବର୍କଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇ ସେ ଅଭିଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଥମରେ କହିଲେ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭୁଲ ଥିଲି, ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଥିଲା ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ସତ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି, ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ସତ କ'ଣ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ସତ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଭଲ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଖରାପ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ନର୍କକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ ଲୋକ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ତଥାପି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ, କାରଣ ଭଲ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରୂପରେ ତିଆରି କରିଦେବେ। ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ କହିଲେ ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ, ପିଥାଗୋରସ୍, ସକ୍ରେଟିସ୍, ମଦର ତେରେସା ଏହିପରି ମହାପୁରୁଷମାନେ, ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସେ ଜାଗା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ନର୍କକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଭେଦଭାବ ରଖିଛେ ତାହା ଭୁଲ। ଯଦି ଆମେ ଭଲ ମଣିଷ, ଆମେ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବା, ଯେଉଁଠିକି ଯିବା, ତାହା ସ୍ୱର୍ଗ ହୋଇଯିବ। ଏ କଥା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବା ଏ ଗପ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଥିପାଇଁ ରଖୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଭଲମନ୍ଦର ବିଚାର କରୁ, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କର ବିଚାର କରୁ, ଆମେ ଭଗବାନ ସୈତାନର ବିଚାର କରୁ, ଆମେ ପୂଜା କରୁ, ଉପବାସ କରୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ହୁଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ତ ଅନେକ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେମିତି ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ଏ ଗପ ଆମକୁ ଏ କଥା ଶିଖାଉଛି ଯଦି ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ମନ ଭିତରେ ଆବିଳତା ରଖିନେ, ଯଦି ଆମେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇ ବଞ୍ଚୁଛେ, ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛେ, ଆମ ଭିତରେ କୁଟ କପଟ ଛଳନା ଈର୍ଷା ଦ୍ୱେଷ ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା, ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବା, ଆମେ ଯେଉଁଠି ରହିବା ସେ ଜାଗାକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିଦେଇପାରିବା।